लेट्स आप मेरे को मोटिवेट करते हैं। जिस समय मैं सोचता था कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर आप मतलब मैं सोचता था कि ज्यादा पढ़ने से अच्छा संदीप सर के वीडियो रिवाइज करता हूं, तो उस देखता था तो इंटरेस्ट जागता जाता था मेरा भी। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं मैंने, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मगर अभी से शुरुआत अगर ऐसा है कि मैं अभी से कुछ चीज़ शुरुआत करता हूँ तो मुझे किस वे में करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ एग्जाम में? दोस्त सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मुझे समझ में आ गया है। ज़बरदस्ती क्वेश्चन नहीं करना खुद को। पढ़ लिया अगर आपने एक बार तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि हो गया। लेकिन अब आता है कि उसमें चांस रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हम भूले हैं, कुछ हो सकता है भूले हैं। आप कहते हैं मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड पे गया तो फर्स्ट का कुछ पोर्शन में भूल गया। इसके लिए दो चीज़ें कर सकते हैं आप। पहला, अपने आप को यू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू एनी टेस्ट। आप टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस करिए, तो वो इंश्योर करवा देंगे आपको, ये कॉन्फिडेंस दिला देंगे कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको आता है। बेसिक स्टोरी लाइन जो होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, वो आपको वैसे भी याद रह जाता है। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तो उसकी एक तो बेसिक्स होते हैं, वो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। जो क्रिटिकल फैक्ट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें अप्लाई करना है या इंटरमिक्सिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको सीखना आना चाहिए, वो क्वेश्चन से आएगा। लेट्स